हाय एवरीवन, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज क्रिएट करने जा रही हूँ ये मेकअप लुक जो कि है वेडिंग सीजन के अकॉर्डिंगली। अगर आप ब्राइड्समेड हो, अगर आप टीनेज हो तो आपको कहीं जाना है फंक्शंस में, अपनी फ्रेंड की कोई वेडिंग अटेंड करनी है, तो ये लुक आपके लिए है। बहुत ही ईजी और सिंपल लुक मैंने रखा है इसमें। मैंने बस यहाँ पे ज्वेलरी कैरी किया है, नेक और इयररिंग मैंने कोई भी कैरी नहीं किया, क्योंकि ये हमें मतलब एक सटल और सिंपल लुक दे रही, बहुत ज़्यादा हैवी लाउड लुक नहीं कर रही है। तो मैंने ब्राइडमेड और टीनेज को देखते हुए, मैंने मतलब उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो। अगर आप देखो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और आगे ऐसे बहुत से कंटेंट आने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये आई लुक मैंने जो क्रिएट किया है बहुत ही क्रिएटिव तरीके से क्रिएट किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला है, तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने बहुत ही जो आजकल बहुत हैक चल रहा है ना उसको मैंने करके फिर ये लुक क्रिएट किया है आईज का। तो आप जाके मुझे देख सकते हो इंस्टाग्राम पे कि लुक कैसे क्रिएट किया है। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है इंडियन वोगा। तो चलो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में 15 मिनट्स में ये मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले शुगर का प्राइमर, ताकि मेरे जो पोर्स ओपन पोर्स हैं वो अच्छे से फिलअप हो जाएं, और ताकि मेरा जो बेस है वो बहुत ही अच्छा लगे और फ्लॉलेस लगे। उसके लिए हम प्राइमर को ज़रूर यूज़ करते हैं, ये कभी भी स्किप मत करना। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शुगर का ही फाउंडेशन। मैं मोस्टली यहाँ पे शुगर के प्रोडक्ट से ही अपने मेकअप को क्रिएट कर रही हूँ। तो जो फाउंडेशन मैं लगाया उसके दूसरी साइड पे ब्रश होता है उससे ब्लेंड किया, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प ली ताकि वो सारा मेकअप जो बेस है मेरा बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाए। मैं यहाँ पर कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं उसी फाउंडेशन को अपने आईज़ से फिर से लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आईज़ के पास थोड़ा अच्छा कवरेज मिल जाए, और जहाँ पे हाइट पॉइंट होते हैं वहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ, तो ताकि थोड़ा सा वहाँ पे हाइलाइटेड थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट है। तो उसको मैं यहाँ पे लगा के फिर उसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी इस तरीके, ताकि मेरा बेस जो है बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस लगे, उसमें कोई भी क्रीजिंग ना हो। फिर उसको मैं सेट करूँगी। यहाँ पे शुगर का ही मैंने पाउडर लिया है, उससे मैं अपने पूरे बेस को सेट कर रही हूँ अपने, ताकि जो भी है मेरा बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था मैं उसको यहाँ पे ब्रश से ऑफ कर रही हूँ। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने ये लुक क्रिएट किया है बहुत ही एक इंस्टाग्राम के हैक से, तो आप उसको इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी इंडियन वोगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो उसको कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। फिर मैंने यहाँ पे काजल लगाया था लोअर लैश पे और उसको ब्लेंड कर रही थी ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए, एक इफेक्ट है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ये आई लुक मुझे लग रहा था, बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब आप जस्ट यू चुटकी बजाना जो होता है ना, चुटकी बजा के ये लुक आई लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और ईजी वे से मैंने इसको क्रिएट किया था। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का ही मस्करा अपने आई लैशेज़ पे। मैं फॉल्सेस बहुत ही कम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप अच्छा सा मस्करा यूज़ कर लो और जो आई कर्लर होता है ना, आई लैश कर्लर, उससे यूज़ कर लो तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। ब्राइड वगैरह हो तो थोड़ा सा वो लगाए तो ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन मैं प्रेफर कम करती हूँ। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक पिंकी पिंकी सा लुक सा। और अब तो विंटर सीजन आ गया है तो विंटर में थोड़े पिंक लिप्स और अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे हर टाइम अच्छा लगता है, लेकिन विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, पिंक पिंक चिक्स हो और नोज़ हो थोड़े से, तो बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे नोज़ पे भी अप्लाई करना ब्लश मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अप्लाई यहाँ पे कर ही लिया मैंने बोलते बोलते। फिर थोड़ी सी हाइलाइटर, क्योंकि हाइलाइटर आपके मेकअप का एक बहुत ही मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग पार्ट होता है, वो बहुत ही इन्हांस कर देता है लुक को। तो जो ब्लश है और हाइलाइटर है मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ शुगर का ही बुलेट लिपस्टिक है, जो मिनी लिपस्टिक थी उसमें मैं अपने लिप से अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बहुत ही पिंक न्यूड सा शेड था जो कि बहुत ही सुंदर आ रहा था इस लुक पे। इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया और चलो मैं मिलती हूँ थोड़ा सा हेयर स्टाइल वाइल करके। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया कोई भी ज्वेलरी नहीं किया है, बस मैंने माथे पे जो आजकल माथा पट्टी चल रहा है उसको, माथा पट्टी या जो भी बोलते होंगे इसको, हेयर एक्सेसरीज मैंने यहाँ पे एक्सेसरीज किया है, और कोई भी इयररिंग और कोई भी नेक पीस मैंने नहीं पहना है। और ये बहुत ही अच्छा सुंदर सटल लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ईजी वे में। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है। अगर अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ ये मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है। शायद आपका कुछ नहीं होगा, बट मैं आपका एक बटन क्लिक करना ना मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और मुझे थोड़ा और इनकरेज करेगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊँ जो आपके फ्यूचर में हेल्प करे। तो
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और जो वीडियो है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और उस पर कमेंट करना कि आपको ये लुक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।